हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम आहमद। आज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ कीपिंग क्वाइट पोएम के बाकी तीन स्टेंजा नंबर 3, 4 एंड 5। इससे पहले की वीडियो में मैंने स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 के बारे में बात की थी, और आज इस वीडियो के अंदर हम स्टेंजा 3, 4 और 5 को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी अपील सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स से करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर मैं स्टेंजा 1 और स्टेंजा 2 की एक्सप्लेन और ट्रांसलेट कर चुका हूँ, और इस वीडियो के अंदर अब मैं स्टेंजा 3, 4, 5 की एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करूँगा। सबसे पहले मैं हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा, और वीडियो के आखिर में एसामिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। सभी व्यूअर्स से गुजारिश है को आखिर तक वीडियो के साथ बने रहे, स्पेशली एसामिस में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि वो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टेंजा 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेंजा 3, इस पेज की जो पहली लाइन है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यहाँ से लेकर आपके आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यहाँ तक है तीसरा स्टेंजा नंबर 3, और स्टेंजा नंबर 4, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, यहाँ से लेकर एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ्स विद डेथ, ये चौथा स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4 है, और स्टेंजा नंबर 5 लास्ट स्टेंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, से लेकर आखिरी लाइन एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो तक है। तो आज इस तीनों स्टेंजा की एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करूंगा। सबसे पहले पहला स्टेंजा पढ़ता हूं और ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ये है दूसरा तीसरा स्टेंजा। अब मैं एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करता हूँ। Those who prepare green wars. वो लोग जो लोग ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, तैयार करना, तैयार होना। ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर वॉर्स विद एनवायरनमेंट, ग्रीन वॉर्स का मतलब वॉर्स अगेंस्ट एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण के खिलाफ युद्ध, वातावरण के विरुद्ध युद्ध, परिवेश के विरुद्ध या परिवेश के खिलाफ युद्ध, लड़ाई, माहौल के खिलाफ लड़ाई, माहौल के खिलाफ युद्ध, यहाँ पर इसका अर्थ है। उसके बाद लिखा हुआ है वॉर्स विद गैस, गैस के साथ लड़ाई, लड़ाइया। तो वॉर्स विद गैस मतलब वॉर्स विद पॉइजनस गैस, जो जहरीली गैस है उस गैस के ज़रिए से लड़ाई। उसके बाद लिखा हुआ है वॉर्स विद फायर, वॉर्स विद फायर का मतलब गोली बारूद से लड़ाई,
गोली बारूद से लड़ाई, बम से लड़ाई, गोली बारूद से लड़ाई। अब उसके बाद लिखा हुआ है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री का मतलब है जीत और सर्वाइवर्स का मतलब होता है जो जिंदा बच निकला, जो जिंदा बच गया उसको कहते हैं सर्वाइवर। अब यहाँ तक का अनुवाद होगा दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो लोग वातावरण के विरुद्ध या परिवेश के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते हैं, या फिर इस तरह कह सकते हैं उर्दू में, वे लोग जो लोग माहौल के खिलाफ लड़ाई की तैयारी करते हैं। माहौल के खिलाफ या वातावरण के विरुद्ध युद्ध करने का मतलब जो लोग जंगलात काट देते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं, हावी जंगलों को नष्ट कर देते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वे लोग जो लोग वातावरण के विरुद्ध परिवेश के विरुद्ध युद्ध करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं, या माहौल के ख़िलाफ़ लड़ाई की तैयारी करते हैं, और की चीज़ की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद गैस, जहरीली गैस से लड़ाई की तैयारी करते हैं, मतलब जो लोग इस तरह की फैक्ट्री लगवाते हैं, इस तरह के कारखाना लगवाते हैं जिनमें पॉइजनस गैस, जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जहरीली गैस पैदा होती है, उनके बारे में कहा गया है कि वे लोग जो लोग जहरीली गैस के ज़रिए से लड़ाइयों की या युद्धों की तैयारी करते हैं। तो जो लोग माहौल के ख़िलाफ़ लड़ाई की तैयारी करते हैं और जहरीली गैस से लड़ाई की तैयारी करते हैं, और की चीज़ की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद फायर, गोली बारूद के ज़रिए लड़ाई की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद फायर, गोली बारूद के ज़रिए लड़ाई की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वो लोग अगरचे जीत भी जाएंगे, विक्ट्री अगरचे वो लोग जीत भी जाएंगे, जीत हो जाएगी उनकी, लेकिन ऐसी जीत होगी विद नो सर्वाइवर्स, जिस जीत के अंदर कोई भी ज़िंदा नहीं बच पाएगा, जिसमें ज़िंदा बचने वाला कोई नहीं रहेगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी जीत होगी, ऐसी कामयाबी होगी जिस कामयाबी के अंदर, जिस विक्ट्री के अंदर, जिस सफलता के अंदर कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, ज़िंदा बचने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फिर से करता हूँ। दोज़ हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो लोग माहौल के ख़िलाफ़ लड़ाई की तैयारी करते हैं और जहरीली गैस के ज़रिए लड़ाई की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद फायर और गोली बारूद के ज़रिए लड़ाई की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनके नसीब में विक्ट्री तो होगी, हो सकती है, जीत हो सकती है, लेकिन कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, ज़िंदा बचने वाला कोई नहीं रहेगा उस विक्ट्री के अंदर, उस जीत या सफलता या कामयाबी के अंदर कोई ज़िंदा नहीं बचेगा या ज़िंदा बचने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ये लोग जिन लोगों ने लड़ाइयों की तैयारी की, तीन तरह की लड़ाई की तैयारी की, कवि ने या शायर ने इस कविता के अंदर तीन तरह की, तीन किस्म की लड़ाई की बात की। पहली किस्म लड़ाई है माहौल के ख़िलाफ़ लड़ाई, मतलब जो लोग जंगलात को काट देते हैं, पेड़ पौधों को बर्बाद कर देते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। दूसरी लड़ाई है जहरीली गैस के ज़रिए से लड़ाई, मतलब जो लोग फैक्ट्री कारखाना वगैरह लगवाते हैं,
जिनमें जहरीली गैस उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उनके बारे में कह रहे हैं। तीसरी लड़ाई की बात की, वॉर्स विद फायर, कि जो लोग या जो मुल्क, जो देश गोली बारूद के ज़रिए से लड़ाई करते हैं, तो उस लड़ाई के बारे में बात की। तो कुल मिलाकर कवि ने या शायर ने इस कविता के अंदर तीन तरह की, तीन किस्म की लड़ाई की बात की। और इन लड़ाई में अगर वो जीत भी जाते हैं तो ऐसी जीत उनकी होगी जिनमें कोई ज़िंदा नहीं बचेगा, ज़िंदा बचने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर कभी कह रहे हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ये लोग जो लोग लड़ाई की तैयारी करते हैं, ये लोग अगर मेरी बात मान ले, मेरी बात मानकर खामोश हो जाए कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, वो अगर खामोश हो जाए, किसी भी ज़बान में, किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में बात करना बंद कर दे कुछ वक्त के लिए, और इसी तरह कुछ वक्त के लिए अगर वो अपने हथियारों को, अपने बाजुओं का इस्तेमाल, अपने बाजुओं का, हथियारों का बेजा इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल बंद कर दे, तो वो लोग क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वुड पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना, क्लीन क्लॉथ साफ़ सुथरे कपड़े, वो लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टहलने चलेंगे या टहलेंगे, वॉक अबाउट चारों तरफ टहलेंगे, इधर उधर टहलेंगे विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जिनको वो लोग एक वक्त दुश्मन समझते थे, जिनके विरुद्ध, जिनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते थे। उम्मीद है कि वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ, उन भाइयों के साथ जो अब उनके भाई हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं खामोश रहने की वजह से, और किसी भी ज़बान में बात ना करने की वजह से, और अपने हथियारों का और इसी तरह अपने बाजुओं का बेजा, बेकार और फालतू ज़ायद इस्तेमाल ना करने की वजह से वो लोग सुधर गए हैं। तो अब वो लोग क्या करेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ जिनको वो एक वक्त में दुश्मन समझते थे, उनके साथ, उनके हाथों पे हाथ रखकर पैदल चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे इन द शेड, दरख्तों के साए में, पेड़ पौधों के साए में, इन द शेड, शेड का मतलब साया, तो इन द शेड, पेड़ पौधों या दरख्तों के साए में, डूइंग नथिंग, जिसमें, जिस वक्त में, मतलब दरख्तों के साए में टहलने के वक्त वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, डूइंग नथिंग, वो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ टहल रहे होंगे दरख्तों के साए में, खामोशी के साथ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उसके बाद देखते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी मुराद है, जो मेरा कहने का मतलब है, जो कुछ मैं अब तक में कह रहा हूँ, अब तक मैं जो कहता आया हूँ, What I want, जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी मुराद है, जो मेरा मतलब है, should not be confused, मेरे इस मतलब को या मेरी मुराद को या मेरी चाहत को confused ना किया जाए, खलत मलत ना किया जाए, गड़बड़ ना किया जाए, मिक्स ना किया जाए, या गलत फहमी पैदा ना की जाए। तो कन्फ्यूज़ का मतलब गलत फहमी पैदा करना, खलत मलत करना, तजब्जुब में पड़ना और परेशानी में पड़ना, शक में पड़ना, इस तरह का अर्थ होता है इसका। तो वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज़, जो कुछ मैं चाहता हूँ या जो मेरी मुराद है, जो मेरा मतलब है, उस मतलब को शुड नॉट बी
शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, खलत मलत नहीं करना चाहिए मेरी मुराद को, मेरे मतलब को किसके साथ, विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए। टोटल का मतलब मुकम्मल, पूरा। इनएक्टिविटी का मतलब हिंदी में निष्क्रियता, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। टोटल मुकम्मल पूर्ण, इनएक्टिविटी निष्क्रियता। तो पूर्ण निष्क्रियता के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए मेरे मतलब को, मेरी चाहत को, मेरे मकसद को या मेरी मुराद को। पूर्ण निष्क्रियता के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए। उर्दू में हम कह सकते हैं मुकम्मल बेहरकती या बेअमली के साथ मेरी मुराद को खलत मलत नहीं करना चाहिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो मेरी मुराद है या मतलब है, उसको खलत मलत नहीं करना चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी, मुकम्मल बेहरकती या बेअमली के साथ। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हिंदी में पूर्ण निष्क्रियता, या इस तरह कह सकते हैं विद टोटल नॉन मूवमेंट। इनएक्टिविटी का मतलब इंग्लिश में नॉन मूवमेंट, और उर्दू में हम कह सकते हैं टोटल इनएक्टिविटी को मुकम्मल या पूरे तरीके से बेअमली या बेहरकती। तो मुकम्मल बेअमली या बेहरकती के साथ मेरी मुराद को खलत मलत नहीं करना चाहिए। मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि खामोश रहो कुछ देर के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुकम्मल तरीके से अपनी हरकत बंद कर दो, अपना काम बंद कर दो, हिलना झुलना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्ण तरीके से जो निष्क्रिय हो जाओ, मुकम्मल तरीके से पैसिव हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। काम करो, ज़रूरत के हिसाब से अपना काम करो, लेकिन खामोशी के साथ करो, मेरी मुराद यही है। फिर से देखते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो मेरा मतलब है, उसको संपूर्ण या पूर्ण निष्क्रियता के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए। मुकम्मल बेअमली या बेहरकती के साथ खलत मलत नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वो चीज़ है जो मुकम्मल चलती रहती है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वो चीज़ है जो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी वो है जो चलती रहती है, जो कभी रुकती नहीं, जो आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पर इस लाइन के अंदर कवि ने या शायर ने लाइफ की डेफिनेशन दी है, ज़िंदगी की डेफिनेशन दी है, संज्ञा दी है। उसके बाद लिखा हुआ है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। इस सेंटेंस के अंदर, इस लाइन के अंदर ट्रक का वर्ड आया है। ट्रक का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में रिलेशन, हिंदी में संपर्क, उर्दू में रिश्ता। तो आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मौत के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, या मैं किसी तरह का रिलेशन नहीं चाहता। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मौत के साथ मैं किसी तरह का रिलेशन, किसी तरह का संपर्क या रिश्ता नहीं चाहता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की इंसानियत से अपील कर रहा हूँ कि वो एक वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो है खामोश हो जाए, अपनी जायद जो फालतू या बेकार की जो एक्टिविटी है, सरगर्मियाँ है, उनको रोक दे, ज़रूरत के हिसाब से खामोशी के साथ काम करे। तो जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरने के लिए कह रहा हूँ, मैं मौत की बात कर रहा हूँ कि सभी मर जाए। तो कभी कह रहे हैं मेरी मुराद ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है, मौत के साथ मेरा कोई संपर्क या रिलेशन नहीं है, मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मौत के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, या मैं किसी तरह का रिश्ता या संपर्क नहीं चाहता मौत के साथ।
मौत की बात मैं नहीं करना चाहता। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। इसके अंदर एक वर्ड आया है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना, किसी एक चीज़ पर अटेंशन देना, एक ही लक्ष्य पर, एक ही मकसद पर ध्यान देना। उसके बाद अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। कीप मूव का मतलब होता है आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। कीप मूव, आगे की तरफ ले जाना। अब इसका अनुवाद होगा इफ़ वी आर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते। सिंगल माइंडेड का मतलब बता चुका हूँ, सिंगल माइंडेड का मतलब किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना। अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, काश हम सिंगल माइंडेड ना होते। किस चीज़ के बारे में सिंगल माइंडेड ना होते? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी जिंदगियों को आगे ले जाने के बारे में। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी जिंदगियों को, हम अपनी जिंदगियों को आगे ले जाने के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में अगर सिंगल माइंडेड ना होते, कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह आगे बढ़े, हर वक्त यही सोच लगी रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, होड़ में लगे रहते हैं, एक कंपटीशन में लगे रहते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है अपनी ज़िंदगी की रेस में, पैसा कमाने में, दौलत कमाने में कौन कितना आगे बढ़ सकता है। तो कभी यही कह रहे हैं कि काश अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने के बारे में, हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में ना सोचते, कुछ खुद की भी फिक्र कर लेते, अपने परिवार, अपनी फैमिली के बारे में फिक्र कर लेते, खुद के बारे में कुछ सोच लेते, अपनी सेहत का ख्याल कर लेते, अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल कर लेते। तो कभी यही कह रहे हैं, इफ़ वी आर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना होते, काश के हम सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी ज़िंदगियों को आगे ले जाने के बारे में। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ ना करते। कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करते, और कम से कम एक बार के लिए, फॉर वंस, एक बार के लिए कुछ ना करते। एक बार के लिए कम से कम कुछ ना कर सकते, हम खामोश रहते, अपनी जायद हरकतों को बंद कर देते कुछ देर के लिए, कुछ भी ना करते एक बार के लिए, तो क्या होता? Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. शायद, perhaps में शायद एक बड़ी खामोशी, huge silence, huge का मतलब बड़ी, बड़ा, silence खामोशी, एक बड़ी सा खामोशी might interrupt, interrupt का मतलब हस्तक्षेप करना, हिंदी में बाधा देना, रुकावट डालना, या फिर ख़त्म कर देना, कर सकते हैं। शायद एक बड़ी खामोशी ख़त्म कर देती, माइट इंटरप्ट, शायद ख़त्म कर देती या फिर रोक देती। किसको रोक देती? दिस सैडनेस, इस दर्द को रोक देती, इस दर्द को ख़त्म कर देती। कौन सा दर्द है वो? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, अपने आप को ना समझने का, अपने आप को कभी भी ना समझने का जो दर्द है। हमने कभी भी कोशिश नहीं की अपने आप को समझने की, तो कभी यही कह रहे हैं कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की अपने आप को समझने की। तो ये अपने आप को ना समझने की जो, अपने आप को कभी भी ना समझने का जो दर्द है, इस दर्द को शायद ये बड़ी खामोशी ख़त्म कर देती या रोक देती, इस दर्द को कि हमारी ज़िंदगी में ना आए। और किस चीज़ को रोक देती ये खामोशी या ख़त्म कर देती? एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ,
और ख़ुद को मौत की धमकी देने का जो दर्द है, खुद को मौत की धमकी, थ्रेटनिंग, थ्रेटन का मतलब धमकी देना, डराना, खुद को, आवर सेल्फ्स, खुद को मौत की धमकी या मौत से डराने का जो दर्द है, उस दर्द को ख़त्म कर देती ये खामोशी, या फिर रोक देती। हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर बिज़ी रहते हैं, इस कदर व्यस्त रहते हैं, अपने आप को इस कदर जोखिम में डाल देते हैं, रिस्क में डाल देते हैं, कि ख़ुद की फ़िक्र नहीं करते। हमेशा जैसे कि जैसे मौत की अपने आप को धमकी देते रहते हैं, जैसा जैसे कि हम अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, इस कदर जोखिम हम मोल लेते हैं कि जैसे हम मौत की धमकी दे रहे हैं अपने आप को। तो कवि यही कह रहे हैं, अगर हम खामोश रहते तो ये खामोशी, ये जो अपने आप को ना समझने की, जो अपने आप को कभी भी ना समझने का जो दर्द है, या अपने आप को मौत की धमकी देने का जो दर्द है, उस दर्द को शायद ये खामोशी ख़त्म कर देती या ज़िंदगी में आने से रोक देती। या तक हो गया ये, या मेरा हो गया स्टेंजा नंबर 4, तो स्टेंजा 3 या स्टेंजा 4 हो चुका है यहाँ तक। अब लास्ट स्टेंजा हम उसकी एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये दुनिया, ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है, हमें पढ़ा सकती है, हमें ज्ञान दे सकती है, नॉलेज दे सकती है। Perhaps the earth can teach us, शायद ये दुनिया हमें पढ़ा सकती है, हमें सिखा सकती है, हम इस दुनिया से सबक ले सकते हैं। कैसा सबक? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे जब हर चीज बेजान लगती है, वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे जब हर चीज बेजान लगती है, एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग सीम्स डेड, सीम्स लगना, दिखने में लगना, सीम्स, सिम, डेड मीन्स मुर्दा, बेजान, लाश, जैसे जब हर चीज़ दिखने में मुर्दा लगती है, बेजान लगती है, लाश लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में हर चीज़, ये हर चीज़ क्या हो जाती है, ज़िंदा, अपने आप को ज़िंदा साबित करती है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, प्रूफ का मतलब साबित करना, अलाइव, ज़िंदा, और बाद में ये हर चीज़ अपने आप को ज़िंदा साबित करती है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मनुष्य, ये सारी इंसानियत इस दुनिया से, इस पृथ्वी से एक सबक ले सकती है। यहाँ पर कवि ने, शायर ने अर्थ का वर्ड इस्तेमाल किया है। अर्थ से मुराद यहाँ पर नेचर है, नेचर, नेचर की तरफ इशारा किया है। शायद हम नेचर से सबक ले सकते हैं, या नेचर हमें सबक, कुदरत हमें सबक दे सकती है, हमें सिखा सकती है। तो यहाँ पर अर्थ से मुराद नेचर है, नेचर से मुराद प्रकृति हिंदी में और उर्दू में, कुदरत। शायद कुदरत हमें सिखा सकती है, प्रकृति हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ मुर्दा लगती है, प्रकृति के अंदर एक वक्त हर चीज़ मुर्दा लगती है, बेजान लगती है। सूरज के जैसे एक प्रकृति है, एक नेचर है, नेचर में से एक चीज़ है। सूरज जब डूब जाता है, तब लगता है कि सूरज मर गया। फिर अगले दिन जब वो सूरज उदय होता है, निकलता है, तो फिर वो साबित करता है कि वो ज़िंदा है। फिर इसी तरह चांद, चांद जब गायब हो जाता है,
जब डूब जाता है तब महसूस होता है कि जैसे लगता है चांद वो मर गया, डेड हो गया वो। अब अगले दिन जब चांद निकलता है तो वो अपने आप को जिंदा साबित करता है कि नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। ठीक इसी तरह कुदरत की हर चीज़ एक वक्त मुर्दा मालूम होती है और बाद में वो चीज़ साबित करती है कि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, वक्त के लिए हम खामोश हो जाए, प्रकृति की तरह, सूरज चांद की तरह, कुदरत की चीज़ों की तरह। फिर वो लोग जिस तरह से चांद और सूरज और प्रकृति की और चीज़ें जिस तरह से अपने आप को ज़िंदा साबित करती है, ठीक इसी तरह हम कुछ देर के बाद, कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर ज़िंदा हो जाएंगे, फिर काम करना शुरू कर देंगे। कुछ देर खामोश हमें रहना चाहिए कुदरत की चीज़ों की तरह, फिर हम काम करना शुरू करेंगे। जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक हम अपना क्यार करें, अपने बारे में सोचें, आत्मचिंतन करें, अपना ख्याल करें, अपने अपना अपनी फैमिली का ख्याल करें। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं इस स्टेंजा के ज़रिए से। उसके बाद आखिरी दो लाइन, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। कभी ये कह रहे हैं अब तो वक्त हो गया, बहुत सारी बातें मैंने समझा दी आप लोगों को, अब मैं 12 तक गिनती करने वाला हूँ, मैं 12 तक गिनती करूँगा, चलो हम अब 12 तक गिनती करते हैं, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम लोग अब खामोश रहोगे, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी शामिल हूँ। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम खामोश रहोगे, अब मैं 12 तक गिनती करूँगा और तुम लोग खामोश रहोगे और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी खामोश रहूँगा। एंड आई विल गो, और हम मैं चलता हूँ और मैं चला जाऊँगा, मैं जाने वाला हूँ, मैंने बहुत सारी बात कह दी, अब मैं जाने वाला हूँ, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारा कर्तव्य है कि जो कुछ मैंने कहा तुम्हारी भलाई के लिए उस पर अमल करो, अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने समझाने की कोशिश की, इस पोएम की एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करने की कोशिश की पूरी, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो के शुरू में जैसा कि मैंने वादा किया था कि आखिर में मैं आसामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूंगा, अब मैं आसामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मरम्मत सातो साथी हकल एम वॉय स्टेंजा 3, स्टेंजा 4 और स्टेंजा 5 और एक्सप्लेन और ट्रांसलेट करीम। দোজ হু প্ৰিপেয়াৰ গ্ৰীণ ৱৰ্ডছ, আৰু সেইবিলাক মানুহ যিবিলাক মানুহে সেউজ বিপ্লৱৰ প্ৰস্তুতি চলায়, পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলায়, হাবি অৰণ্য কাটি দিয়ে, গছ তৰুলতা কাটি দিয়ে। গ্ৰীণ ৱৰ্ডছ মানে ইয়াত পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ, ৱাৰ এগেইনষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট। সেইসকল মানুহ যিসকল মানুহে পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলায়, যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায়, ৱাৰ্ছ উইথ গেছ আৰু বিষাক্ত গেছৰ জৰিয়তে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায়। ৱাৰ্ছ উইথ গেছ মিনছ হৈছে ইয়াত ৱাৰ্ছ উইথ পয়জনাছ গেছ, বিষাক্ত গেছৰ জৰিয়তে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায়। ৱাৰ্ছ উইথ ফায়াৰ আৰু গুলী বাৰুদৰ সৈতে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায় যিবিলাক মানুহে। তো কবিয়ে এই দুটা লাইনত তিনি ধৰণৰ যুদ্ধৰ কথা কৈছে। প্ৰথমটো হৈছে পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ, গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ। দ্বিতীয়টো হৈছে ৱাৰ্ছ উইথ গেছ, অৰ্থাৎ ৱাৰ্ছ উইথ পয়জনাছ গেছ, বিষাক্ত গেছৰ জৰিয়তে যুদ্ধ। আৰু তিনি নম্বৰ যুদ্ধৰ কথা কৈছে ৱাৰ্ছ উইথ ফায়াৰ, গুলী বাৰুদৰ সৈতে যুদ্ধ। যিসকল মানুহে এই তিনি ধৰণৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায়, ভিক্টৰী উইথ ন' ছাৰ্ভাইভাৰ, সেইবিলাক মানুহে যুদ্ধত জিকি যাব, ভিক্টৰী হ'ব, সিহঁতৰ সফলতা হ'ব, সিহঁতে সফলতা পাব, কিন্তু কেনেকুৱা সফলতা পাব, উইথ ন' ছাৰ্ভাইভাৰ, য'ত কোনেও বাচি নাথাকে,
with no survivors. Victory means is a hafalata. Survivor means is a basi thoka vyakti, basi jua vyakti. Kono juddhat ba kono durghatanat basi jua vyakti take survivor boli kua hoy. তো যিসকল মানুহে এই তিনি ধৰণৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায় সেইবিলাক মানুহে যুদ্ধ জিকি যাব পাৰে, কিন্তু কেনেকুৱা সফলতা সিহঁতে লাভ কৰিব য'ত কোনেও জীয়াই নাথাকে, কোনেও বাচি নাথাকে. Would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. মই আগৰ ষ্টেঞ্জা দুটাত, ষ্টেঞ্জা নম্বৰ ওৱান, ষ্টেঞ্জা নম্বৰ টু কবিয়ে কৈ আছে যিটো কথা ক'লোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহে কি হ'ব লাগে, অলপ সময় মনে মনে থাকিব লাগে আৰু কোনো বাহাতেই কথা পাতিব নালাগে কিছু সময়ৰ কাৰণে, আৰু নিজৰ বাহুবিলাকক বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাকক বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, অদৰকাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, অদৰকাৰী কথা পাতিব নালাগে, মনে মনে থাকিব লাগে. তো কবিয়ে কৈছে যদি মোৰ কথা মতে যদি এনেকুৱা হয় মানুহে কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, উড পুট অন ক্লিন ক্লথছ, এই যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা মানুহবিলাকে কি কৰিব, পৰিষ্কাৰ পৰিপাটি কাপোৰ কানি পিন্ধিব. উড পুট অন ক্লিন ক্লথছ, এইবিলাক মানুহে যিবিলাক মানুহে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলায় সেইবিলাক মানুহে মোৰ কথা মানিলে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিব আৰু কি কৰিব, এণ্ড ৱাক এবাউট ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, আৰু নিজৰ ভাতৃসকলৰ বা বন্ধুসকলৰ সৈতে খোজকাঢ়িব, চাৰিওপিনে খোজকাঢ়িব. ক'ত খোজকাঢ়িব, ইন দ্য শ্বেড, গছৰ ছাত, ছাৰ তলত, ইন দ্য শ্বেড, শ্বেড মিনছ গছৰ ছাঁ, গছৰ ছাঁৰ তলত খোজকাঢ়িব, নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে, নিজৰ বন্ধুৰ সৈতে, যিবিলাক বন্ধু বা ভাতৃ আগতে কি আছিলে, আগতে সিহঁতৰ শত্ৰু আছিলে, সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিলে, আজি সেইসকল ভাতৃ হ'ল, বন্ধু হ'ল, এতিয়া সেই ভাতৃ আৰু বন্ধুৰ সৈতে বন্ধুৰ হাতত ধৰি গছৰ ছাঁত খোজকাঢ়িব. ডুইং নাথিং, তেতিয়া সিহঁতে একোৱে নকৰিব, একোৱে কৰি নাথাকিব, ডুইং নাথিং, খোজকঢ়া সময়ত নিজৰ ভাতৃসকলৰ হাতত ধৰি একোৱে নকৰে, গছৰ ছাঁত খোজকাঢ়ি থাকিব আৰু কোনো কামেই নকৰে. তাৰপিছত লিখা আছে ৱাট আই ৱান্ট শ্বুড নট বি কনফিউজড উইথ ট'টেল ইনএক্টিভিটি. মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৱাট আই ৱান্ট, মই যিটো বিচাৰিছোঁ, মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বা যিখিনি কথা মই কৈছোঁ, মনে মনে থাকিবলৈ কৈছোঁ, কোনো বাহাতে কথা পাতিবলৈ মানা কৰিছোঁ, তাৰ নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা বাহুবিলাকক অদৰকাৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মই মানা কৰিছোঁ, এইবিলাক কথা যে কৈছোঁ, মোৰ যিটো লক্ষ্য, এইবিলাক কথা কোৱাৰ যিটো মোৰ লক্ষ্য, মোৰ যিটো উদ্দেশ্য, ৱাট আই ৱান্ট, মোৰ যিটো উদ্দেশ্য, মই যিটো বিচাৰোঁ, শ্বুড নট বি কনফিউজড, মোৰ এই উদ্দেশ্যটো কি কৰিব নালাগে, কনফিউজড কৰিব নালাগে, খেলি মেলি কৰিব নালাগে, শ্বুড নট বি কনফিউজড, খেলি মেলি কৰিব নালাগে, কনফিউজড হ'ব নালাগে. কনফিউজ কৰা, খেলি মেলি কৰা, অসুবিধাত পেলোৱা, অসুবিধাত পৰা, অসুবিধাত পেলোৱা, খেলি মেলি কৰিব নালাগে, মোৰ এই উদ্দেশ্যটোক কিহৰ সৈতে খেলি মেলি কৰিব নালাগে, উইথ ট'টেল ইনএক্টিভিটি, সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সৈতে খেলি মেলি কৰিব নালাগে. মই সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কথা কোৱা নাই, ট'টেল ইনএক্টিভিটি মিনছ হৈছে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তা, মই সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কথা কোৱা নাই যে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় হৈ যোৱা, গোটেই কাম ধান্দা একদম চব বন্ধ কৰি সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয় হৈ যোৱা জীৱনৰ কাৰণে, এইটো মই কোৱা নাই. মই কিছু সময়ৰ কাৰণে আত্মচিন্তন কৰিবলৈ কৈছোঁ, মনে মনে থাকি আত্মচিন্তন কৰিবলৈ কৈছোঁ, মনে মনে কাম কৰি যাবলৈ কৈছোঁ, অদৰকাৰী কথা ক'বলৈ মানা কৰিছোঁ, অদৰকাৰী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বা নিজৰ বাহুবিলাকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কথা মই কোৱা নাই, সেইটো কৈছে কবিয়ে. তাৰপিছত কবিয়ে কৈছে লাইফ ইজ ৱাট ইট ইজ এবাউট, জীৱন কি বস্তু, লাইফ ইজ ৱাট,
লাইফ জীৱন সেইটো বস্তু যিটো সদায় গতি কৰি থাকে, ইট ইজ এবাউট, যিটো সদায় আগলৈ গৈ থাকে, কেতিয়াও ষ্টপ নহয়, কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে। জীৱনৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে কবি ইয়াত, জীৱন মানে কি, জীৱন কি, জীৱন লাইফ ইজ ৱাট ইট ইজ এবাউট, জীৱন জীৱন সেইটো যিটো সদায় আগবাঢ়ি গৈ থাকে, কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে। আই ৱান্ট ন' ট্ৰেক উইথ ডেথ, মৃত্যুৰ সৈতে মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, মই মৃত্যুৰ কথা কোৱা নাই, মই মৃত্যুৰ সৈতে মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক মই নিবিচাৰোঁ। আই ৱান্ট ন' ট্ৰেক উইথ ডেথ, ট্ৰেক মিছ ইয়াত হৈছে সম্পৰ্ক, ৰিলেশ্যন উইথ ডেথ, মৃত্যুৰ সৈতে মই কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নিবিচাৰোঁ। অৰ্থাৎ মই মৃত্যুৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই যে তোমালোকে মৰি যোৱা, একো কৰিব নালাগে, ডেড বডিৰ নিচিনা পৰি থাকা, মই এইটো কোৱা নাই। মৃত্যুৰ সৈতে মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, মৃত্যুৰ সৈতে মই কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক বিচৰা নাই, মই মৃত্যুৰ কথা কোৱা নাই। মই কিছু সময় মনে মনে থাকিবলৈহে কৈছোঁ, মনে মনে থাকি আত্মচিন্তন কৰিবলৈ কৈছোঁ। তাৰপাছত কৈছে, ইফ উই আৰ নট ছিংগল মাইণ্ডেড এবাউট কিপিং আৱাৰ লাইফ মুভিং, ছিংগল মাইণ্ডেডৰ অৰ্থ হৈছে যে কেৱল যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া, যিকোনো এটা লক্ষ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া, অন্য কোনো ধ্যান নাই, এটা বস্তুৰ ওপৰতে লক্ষ্য দিয়া বা ধ্যান দিয়াকে ছিংগল মাইণ্ডেড বুলি কোৱা হয়। কবিয়ে কৈছে, ইফ উই ৱাৰ নট ছিংগল মাইণ্ডেড, যদি আমি ছিংগল মাইণ্ডেড নহ'লোঁ হয়, যদি আমি এটা বস্তুৰ ওপৰতে ধ্যান নিদিলোঁ হয়, কোনটো বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান নিদিলোঁ হয়, এবাউট কিপিং আৱাৰ লাইফ মুভিং, আমি আমাৰ নিজৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে, কিপ মুভ মিনছ আগুৱাই লৈ যোৱা, কিপ মুভ, আমি আমাৰ জীৱনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে যদি ছিংগল মাইণ্ডেড নহ'লোঁ হয়, এই একেটা বস্তুৰ ওপৰত যদি ধ্যান নিদিলোঁ হয়, জীৱনটোক সদায় আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে যদি আমি ধ্যান নিদিলোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে আৰু কি নকু, আৰু কি কৈছে, এণ্ড ফৰ ওৱান্স কুড ডু নাথিং, অৰ একবাৰৰ বাবে, ফৰ ওৱান্স এবাৰৰ বাবে কুড ডু নাথিং, একো নকৰিলোঁ হয়, একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয়, আৰু একবাৰৰ বাবে যদি একো নকৰিলোঁ হয়, আমি মনে মনে থাকিলোঁ হয়, একো কাম নকৰিলোঁ হয় একবাৰৰ বাবে, তেতিয়া কি হ'লে হয়, পাৰহেপচ এ হিউজ চাইলেঞ্চ মাইট ইণ্টাৰাপ্ট দিছ চেণ্টেঞ্চ, সম্ভৱত এটা ডাঙৰ নিৰৱতাই, এ হিউজ চাইলেঞ্চ, হিউজ মানে ডাঙৰ চাইলেঞ্চ, নিৰৱতা, নিস্তব্ধতা, সম্ভৱত এটা ডাঙৰ নিৰৱতাই বা নিস্তব্ধতাই মাইট ইণ্টাৰাপ্ট দিছ চেডনেছ, ইণ্টাৰাপ্ট মিনছ হৈছে বাধা দিয়া বা হস্তক্ষেপ কৰা বা দংশ কৰি দিয়া ক'ব পাৰি ইয়াত, সম্ভৱত এটা ডাঙৰ নিৰৱতাই এই বেদনাটোক দংশ কৰি দিব পাৰিলে হয়, এই বেদনাটোক নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিলে হয়, শেষ কৰি দিব পাৰিলে হয়, এই বেদনাটোক বাধা দিব পাৰিলে হয়, আমাৰ জীৱনত অহাৰ পৰা বাধা দিব পাৰিলে হয়, হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিলে হয়, কিহৰ বেদনা, অফ নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৱাৰ ছেলভছ, নিজকে কেতিয়াও বুজি নোপোৱাৰ যিটো বেদনা, অফ নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৱাৰ ছেলভছ, নিজকে কেতিয়াও বুজি নোপোৱাৰ যিটো বেদনা, এই বেদনাক এটা হিউজ চাইলেঞ্চ, এটা ডাঙৰ নিৰৱতাই বা নিস্তব্ধতাই শেষ কৰি দিব পাৰিলে হয়, বাধা দিব পাৰিলে হয়, হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিলে হয়, আৰু কিহক বাধা দিব, আৰু কিহৰ বেদনা, এণ্ড অফ থ্ৰেটেনিং আৱাৰ ছেলভছ উইথ ডেথ,
আৰু নিজকে মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ যিটো বেদনা অফ থ্ৰেটেনিং, থ্ৰেটেন মিনছ হৈছে ভাবুকি দিয়া, ভয় দেখুৱা, আৱাৰ ছেল্ফছ উইথ ডেথ, আৱাৰ ছেল্ফছ নিজকে, আৰু আমি নিজকে যিটো মৃত্যুৰ ভাবুকি দি থাকোঁ সদায়, এনেকুৱা ৰিস্ক লৈ থাকোঁ জীৱনত, ইমান ব্যস্ত আমি থাকোঁ, ইমান কাম আমি কৰোঁ, ধন সম্পত্তি টকার বিষয় ইমান চিন্তা আমি করু, যার ফলত আমি যে নিজকে মৃত্যুর ভাবুকি প্রতি মিনিটতে দি থাকু, প্রতি সেকেন্ডত যে আমি আমার নিজকে মৃত্যুর ভাবুকি দি থাকু, তো নিজকে মৃত্যুর ভাবুকি দিয়ার যেটু বেদনা, এই বেদনাটু কি করে দিব পারিলে হয়, নিঃশেষ করে দিব পারিলে হয়, ধ্বংস করে দিব পারিলে হয়, হস্তক্ষেপ বা বাধা দিব পারিলে হয়, এটা হিউজ সাইলেন্স, একটা ডাঙর নিরবতায় বা নিস্তব্ধতায়, আকো করে আসো, পারহ্যাপস এই হিউজ সাইলেন্স মাইট ইন্টারাপ্ট দি স্যাডনেস অফ নেভার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আওয়ার সেলস এন্ড অফ থ্রেটেনিং আওয়ার সেলস উইথ ডেথ। সম্ভবত একটা ডাঙর নিরবতায় বা নিস্তব্ধতায় আমি নিজকে কেতিয়াও বুঝি নোপার যেটু বেদনা, আর নিজকে মৃত্যুর ভাবুকি দিয়ার যেটু বেদনা, এই বেদনাটুক নিঃশেষ করে দিব পারিলে হয়, তাহলে কি হয়ে গেল। নেক্সট, পারহ্যাপস দি আর্থ ক্যান টিচ আস অ্যাজ ওয়েন এভরিথিং সিমস ড্যাড অ্যান্ড ল্যাটার প্রুভস টু বি অ্যালাইভ, নাও আই উইল কাউন্ট আপ টু 12 অ্যান্ড ইউ কিপ কোয়াইট অ্যান্ড আই উইল গো। সম্ভবত পৃথিবীয়ে আমাক এটা শিক্ষা দিব পারে, পৃথিবী আমাক শিক্ষা দিব পারে, জ্ঞান দিব পারে, নলেজ দিব পারে, দি আর্থ ক্যান টিচ আস, সম্ভবত পৃথিবীখনে আমাক শিক্ষা দিব পারে, ইয়াত দি আর্থর অর্থ হয়েছে দ্য নেচার, প্রকৃতি, সম্ভবত কিয় আর্থ হয়েছে প্রকৃতির একটা বস্তু, একটা প্রকৃতি, সেইকাৰণে আর্থ মানে ইয়াত প্রকৃতি, সম্ভবত প্রকৃতিয়ে আমাক এটা শিক্ষা দিব পারে, এজ জেনে ওয়েন এভরিথিং সিমস ডেড, যেতিয়া প্রত্যেক বস্তু ডেড যেন লাগে, প্রত্যেক বস্তু মৃত যেন লাগে, ডেড মিন্স মৃত, যেতিয়া প্রত্যেক বস্তু মৃত যেন লাগে, এন্ড লেটার প্রুভস টু বি অ্যালাইভ, আরো পাছত এই প্রত্যেক বস্তুয়ে জীবিত হওয়াটু প্রমাণ করে, তো এসময়ত প্রত্যেক বস্তু মৃত যেন লাগে, এজ ওয়েন এভরিথিং সিমস ড্যাট, এসময়ত প্রত্যেক বস্তু পৃথিবীর বা প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু মৃত যেন লাগে, আর পাছত এই প্রত্যেক বস্তুয়ে কি করে প্রমাণ করে দেখায়, প্রুভ মিস প্রমাণ করে দেখায়, টু বি অ্যালাইভ, জীবিত হওয়াটু প্রমাণ করে দেখায়, তো এসময়ত পৃথিবীর বা প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু মৃত যেন লাগে, সিম মিন্স লগা, দেখাত লগা, আর সেই বস্তুকেইটাই পিছত নিজকে জীবিত বলে প্রমাণ করে, যেনে সূর্য যেতিয়া অস্ত যায়, মার যায়, তেতিয়া লাগে যেন সূর্য কি হয়ে গেল, মরি গেল, ঠিক তেনেদরে চন্দ্র যেতিয়া অস্ত যায় যেন লাগে চন্দ্র কি হয়ে গেল, মরি গেল, কিন্তু আকৌ যেতিয়া পিছদিনা সূর্য উদয় হয় বা চন্দ্র উদয় হয়, তেতিয়া সূর্যই বা চন্দ্রই বা প্রকৃতির এনেকুৱা বস্তুয়ে নিজকে জীবিত যেন আকৌ প্রমাণ করে, তো সেইটোৱে কবি কবলৈ গৈ আছে যে আমি অলপ সময়ের কারণে যদি মনে মনে থাকো, কোনো বাহাতেই যাতে কথা নাপাতো, যদি কথা নাপাতো, আর নিজের বাহুবিলাকক, নিজের হাতক, নিজের অস্ত্র শস্ত্রক যদি অদরকারী ব্যবহার নকরু, কিছু সময়ের কারণে আমি যদি মনে মনে থাকো, তেতিয়াহলে কি হব, আমি আত্মচিন্তন করার সময় পাম, নিজের যত্ন লওয়ার সময় পাম, নিজের পরিয়ালের যত্ন লওয়ার সময় পাম, আর কিছু সময় পিছত আকৌ যেতিয়া আমি নিজের কাম করা আরম্ভ করিম, তেতিয়া এই প্রকৃতির নিচিনা আকৌ নিজকে আমি জীবিত বলে প্রমাণ করিম,
প্ৰকৃতিয়ে যেনেকৈ অস্ত যোৱাৰ পিছত আকৌ জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰে, ঠিক তেনেদৰে আমি কিছু সময় মনে মনে থকাৰ পিছত যেতিয়া কামত ব্যস্ত হৈ যাম নিজকে জীৱিত বুলি প্ৰমাণ কৰিম। তো কবি এই কথাটো ক'বলৈ এইটো ষ্টেঞ্জাত চেষ্টা কৰিছে। লাষ্ট দুটা লাইন আছে, নাও আই উইল কাউণ্ট আপ টু টুৱেলভ, এতিয়া মই বাৰলৈকে গণনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মই গণনা কৰিম, মই বহুত কথা তোমালোকক বুজাইছোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া কবিয়ে কৈ আছে, এতিয়া মই বাৰলৈকে গণনা কৰিম, এণ্ড ইউ কিপ কোৱাইট, আৰু তোমালোকে মনে মনে থাকিবা। গোটেই মানৱ জাতিক কবিয়ে কৈ আছে, মই বহুত কথা তোমালোকক বুজালোঁ, এতিয়া মই বাৰলৈকে গণনা কৰিম আৰু তোমালোক সকলোৱে মনে মনে থাকিবা, ময়ো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছোঁ, ময়ো তোমালোকৰ লগত থাকিম, ময়ো মনে মনে থাকিম, মানে আই উইল গ' আৰু তাৰপাছত মই গুচি যাম, আই উইল গ' মই গুচি যাম। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই তিনিটা ষ্টেঞ্জা এইটো ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈছে, তোমালোকে এনেকুৱা এডুকেশ্যনেল আৰু ইউজফুল ভিডিঅ'জ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল আইকনটো টিপি দিবা, আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', হেভ আ গুড ডে, থেংক ইউ।